नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर हरियाणा से है। पुलिस भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में दी जाएगी 5 वर्ष की छूट। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि पुलिस भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा वीरवार को हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान लागू किया है। उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाती थी। इस संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए थे और उन पर विचार करने के उपरांत अब पुलिस विभाग में भर्ती में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आयु में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा से ब्यूरो की रिपोर्ट। भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया था। उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी 10% नौकरियों में आरक्षण दिया है जो आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे वर्ग हैं। अभी तक चूंकि आयु सीमा में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनकी आयु सीमा में पुलिस भर्ती में कोई छूट नहीं थी, जैसे बाकी सबकी थी वैसी उसमें थी। लेकिन सुझाव बहुत से आए और मैं समझता हूँ हमारे माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने का भी शायद हेतु यही होगा, तो मैं आज घोषणा करता हूँ कि होम डिपार्टमेंट की पुलिस की इन भर्तियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उस वर्ग को 5 वर्ष की आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी।